ये क्या? अच्छा गेम गेम लो, इतनी करीब से नहीं गया लो, अब इतनी करीब से तुम लोग नहीं जा रहा। ओ भारी है वो क्या? नहीं भारी है, नहीं नहीं Assalamualaikum, so, भाई, welcome back to the new vlog. अरे अभी तो लगना शुरू हुआ है भाई, आज लेट लगा रही हो भाई, टाइम से पहले नहीं ना भाई, 4 बजे सारे बैठ जाते हैं, आज तो 4:10 हो गए, 10 मिनट लेट पूरा है तू। गेम टैब ने लिया होगा पूरा गुस्से से, मम्मी ने बोला उठो फरिया लगाओ, तो लगाने। फरिया जो है ना वो ज्यादा टैब में लगी रहती, तो मॉम इसको अक्सर गुस्सा करती थी, फरिया उठो काम करो उठो। अभी मुझे लगता है यही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। Assalamualaikum मॉम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? आप भी शायद आज लेट उठी है ना? पापा भी उठ चुके हैं। एटीट्यूड बॉय किधर है यार? अबे एटीट्यूड बॉय आ जाओ खाने में फटाफट, चलो चल। ये क्या पड़ा हुआ है? डस्टबिन क्या कर रही है तुम्हारे कमरे में? एक डस्टबिन, दो डस्टबिन, तीन सारी डस्टबिन, क्या हो गया? तुम इतना कचरा करते हो कमरे के अंदर? नौ डस्टबिन। ये देखो मैं इसलिए लाया हूं, मोटो गेम लो, इतनी करीब से नहीं गया लो, अबे इतनी करीब से तुम लोग नहीं जा रहा, क्या गुंडा बनोगे रे बाबा? चले अगर चले गए तो बताओ, और नहीं गए तो वो भी बताओ, दिल्ली बताओ। जब बताएंगे जब चले आएगा। अगर नहीं गया तो? अगर चले गए भाई आपको 5,000 देगा। अगर अबे 5,000 रुपया तूने क्या 5,000 रुपया हलवा समझे हुए? फिर खाना खाने भी जाना है। खाना खाने कहाँ जा रहे? बाहर। अच्छा सरी करने। 3 और दूसरे पे कर, ऐसे इतने करीब से नहीं गया था पहले, जाएगा ही नहीं, लिख लो। अबे वाह वैसे फंकार आदमी तो है भाई। अब ये भी आए, तुम लोग पागल हो जाते हो, कोई चीज नहीं देखते ना, ये लोग कसम से पागल हो जाते हैं। इवन मैं मेरे दोबारा से हम बैठ जाते हैं, काफी दिन से हम पहले नहीं बैठ पाते थे। इन्होंने बोला कि तुम अगर आप जीत जाओगे तो भैया 5,000 देगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि अगर आपसे नहीं गई तो आपने क्या करना है। जी क्या है ना, क्या बनाए क्या बनाए? आजा आजा, अरे मिर्च आ गई यार, लौकी भी तो लो। ये तो है 1 और 2, दिख नहीं रही वो आपको? नहीं बहुत छोटी है, इतनी सारी पड़ी है। लो भाई लौकी ले ही लेते हैं यार। ठीक है भाई, आज की सहरी, और ये सहरी है भाई 28वीं सहरी। दो ही रमजान रह गए या एक ही रमजान रह गया? रोजा, रमजान का 2 रोजा है। देखते हैं भाई कैसे गुजरते हैं और क्या क्या होता है। और ईद तो बहुत करीब है, पहले जब रमजान करीब होता तो रमजान की खुशी, अब ईद करीब है तो ईद की खुशी। मुझे खुशी नहीं है ईद की। क्यों भाई? पेपर से इतने बाद मेरे। अबे भाई किसी से भी खुशी नहीं है। टेंशन होगी और ईद थोड़ी और दूर हो जाए। ईदी नहीं देंगे तुम्हें? हाँ ईदी की भी नहीं, ईदी की है ईदी नहीं देंगे। नहीं नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, के बाद देंगे। करते हैं भाई फटाफट से सहरी। सो 5:30 हो रहे हैं, व्लॉग अब बनना स्टार्ट हो रहा है यार। और सुबह जो है ना वो मैं सहरी करके डायरेक्ट सोने चले गया था भाई, पता नहीं क्या हो गया है। 2-3 दिन जो मैंने लगातार काम किया ना, मतलब एक साथ व्लॉग के साथ साथ शूट भी, उसके बाद से मेरी तबीयत काफी खराब होने लग गई, मतलब फीवर भी आने लग गया है, क्योंकि गर्मी भी थी इतनी, पता नहीं क्या हो गया बॉडी में ऐसा कि दिल चाह रहा है कि बस बेड पे लेटे रहो, उठो ही नहीं। मैंने कोशिश की कि मैंने बोला उठता हूँ यार, व्लॉग बनाता हूँ, रोजा भी है, अभी मुंह हाथ धोएंगे फटाफट से, और हमें पढ़नी है जोहर की नमाज कजा, और फिर असर की तो कजा नहीं है, वैसे ही पढ़ लेंगे। रमजान में ना बड़ा मसला हो जाता शूट का यार। क्या हो रहा है भाई? अरे बासिल पापा का छोटा मुन्ना है, प्यारा मुन्ना है, गुड्डा है। क्यों भाई? पापा का गुड्डा नहीं देख रहा भाई, नहीं देख रहा, इधर देखो पापा का, देखो बट अब देखेगा जो लाइट है ना मेरे पास, देखो टॉर्च जब मैं खोलता हूं ना तो इसको देखना मेरे पास ही है। पापा होते ना, पहले डांटे या गुस्सा करे, मैं बड़ा तंग करता हूँ यार रात को ना, ये जब सो रहा नहीं सोता ना, मतलब सोरा उसको ऐसा करता हूँ, रोना शुरू कर देता है। पापा कर लो। अब मैं सोच रहा हूँ रोज को ना प्यार करवाता हूँ सब्सक्राइबर्स को, कि रोज पपिया करेगा, हमें तो कर नहीं रहा, हम कोई कर ले। पापा करो, पापा का नहीं पता इसको, इसको बताना पड़ेगा करके। देखो इंसान बने, मजा आता है खेलने में, आपको तो एक चीज पता है, ठीक है, फरिया को नहीं पता वाली चीज, इसको थी नहीं उस टाइम पे, तो भी पापा पढ़े नमाज और वो चीज पापा के कमरे में। आज मुझे करवानी थी अपनी गाड़ी की भी सर्विस, और गाड़ी जो अंदर खराब हो गई सारी, वो मैंने नीचे चौकीदारों से ही करवा ली वॉश, मतलब सफाई हो गई, पैसे बच गए ना। कहाँ जा रहे हो आप लोग? घर जा रहे हैं रोजा खोलने। घर में रोजा नहीं खुल रहा? पापा मैं मम्मा बस। वाह भाई वाह, बोलो बाहर चलो लेको, किधर है वो तरबूज? ये देखो गाइस, उठाओ फरिया, उठा के दिखाओ ना। नहीं नहीं उठा दो ना, क्यों? नाफ चली जाती है बच्चियों की। अच्छा उठा सकती है? कोशिश करो, कोशिश। नहीं नहीं
वाकई मैं मना कर रही हूँ। अच्छा भाई मॉम देखो मना कर रही है कि इतना भारी वजन उठाओ, क्योंकि पता है कितने किलो का है ये। मैंने कराया था जब सभा को मैंने घर छोड़ दिया था, उसके बाद फिर मैं रात को ना मुझे दिख गया, अब इतने बड़े बड़े उसके पास में तरबूज रखे हुए। मैंने बोला कि भाई मुझे ना सबसे बड़ा तरबूज है जो आपकी ठेले पे पड़ा हुआ है। अब ये जो है ना ओए 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 ये है 15 किलो का, 15 किलो। आज से जब तक हम इससे पहले जितने भी हम घर में तरबूज लाए ना, वो हम लाए हैं कम से कम 4 किलो 5 किलो 15 किलो का काफी लिया। पापा से उठवा दे, पापा ये उठाना पड़ेगा आपको। नीचे तो रखो पहले, अभी नीचे तो उठाइए। ओ भारी है वो क्या? नहीं भारी नहीं नहीं मैं बहुत भारी है यार। अब इसमें ये नहीं पता हमें, हम ले आए तो अंदर से कैसा निकले, काला निकले, लाल निकले, पीला निकले क्योंकि ये बहुत पक गया होगा जब इतना बड़ा हो गया। पानी पानी भरा हुआ इसमें, काटेंगे कब? सभी टमाटर से भी उठवाएंगे इसको, अभी हम स्टारी में काट लेंगे। मामलों को जानने दो, हम लोग कर लेंगे। अच्छा मेरे बगल काटोगे पूरा? तू भी जा रही है? हाँ ना, चल तेरे बगल भी काटेंगे। चल नहीं तो मम्मा से कटवा के ना सबको बांध देते हैं। नहीं तो हम लोग कटवा के बांट देंगे, मामलों तो भी निकल रहे, बस पापा रेडी है, जा रहे हैं। आप इसका ऑपरेशन करेंगे इतने बड़े तरबूज का। इधर आ जाओ, एडिट हुआ, एडिट हुआ। उधर उधर आओ, तरबूज तो उठाओ। ये लाए कहां से? ले आए, ये भारी है, जबान बाहर आ गई, फील नहीं कर पा लेकिन जबान बाहर आ गई। तो नहीं हो, भारी नहीं होगा जब इतना बड़ा है तो। हां तो अब मैं चेक करती हूं, उठा के लेके मम्मा चले गए अंदर। नहीं उठेगा, पहले छोड़ दे ना, मम्मा गुस्सा करेंगी, रख दे। मम्मा देखो फिर तरबूज उठाया। वैसे है भारी, मैं चेक करूं उठाकर। बाय 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 बाय। सो मोमर पापा जा चुके हैं, तो आज हमारे सारी मोमर पापा के बगैर। बासिल जो है वो सो चुके हैं, इनको बड़ी नींद आ रही थी, रोना धोना डाला था। अल्लाह अल्लाह, अबे टमाटर भी आ गए, छूट 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 सो रहे। अब उठ जाएगा टमाटर, तंग करता है बहुत। ये उठा चल चल, उठा सकता नहीं तू, ये उठाया तो तेरे सामने पे। अबे हां तूने तो उस दिन उठाया था। अबे उठा के थोड़ा घूम दो, थोड़ा घूम इसको लेकर। हाँ भाग भाग, फिर बताइए थक जाएगा। देखिए थोड़ा हाथ उसको उठा के ऊपर नीचे कर, एक्सरसाइज होगी। मतलब तू समझ बहुत हैवी डंबल के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, ऐसे कर ऊपर लेके जा। बिल्कुल कैमरे के सामने ऊपर नीचे कर तो लूंगा, नहीं बाद में रात में फिर जो दर्द। गाइस ये लिटरे में बहुत भारी है। अभी अभी गिफ्ट आया बासिल के लिए, 3 नाम लिखे हुए, तो भाई नाम पढ़ देते हैं। उसामा सरवर, यूसुफ हनीफ और हयात अहमद। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने गिफ्ट भेजा, 3 बंदों ने 1 गिफ्ट भेजा। देखते हैं भाई ऐसा क्या है, क्या हो सकता है। ओ बासिल के कपड़े, गिफ्ट 1 नहीं है 3 ही है। थैंक यू। देखते रहे आ रहे हैं, ये जरा खोल, कहीं तेरे भी आ जाए, क्योंकि तू भी तो सबसे छोटा है घर में, तेरे तो पक्का पक्का आ जाएगा। अरे वाओ, इसके अंदर एक प्यारा सा कार्ड भी था ईद मुबारक का। ईद में भाई 2 दिन नहीं रह गए, देखो पूरी सफाई शुरू हो गई है ताकि ईद में हमारा कमरा बिल्कुल चमक जाए। सारी मट्टी उड़ ली है ये देखो, ये पता लग रहा है ना कैमरे के अंदर, हल्के हल्के से डॉट्स आ रहे हैं। सारी अलमारियां आगे हो रही हैं और मिट्टी सारी पीछे साफ। भाभी आपका कमरा कल होगा? हाँ, तो आज हमारा कमरा होगा, कल भाभी का कमरा, हाँ कल मम्मा का भी हो जाएगा, क्योंकि परसों तो फिर ईद आ जाएगी, तो परसों ईद पे कैसे करेंगे। सब के सिस्टर आ चुकी हैं, ये तरबूज उठाना है एक एक करके। अब जोया की बारी। नहीं नहीं ना, उबे ओबे ओबे, बस बस प्लीज, तुम तो बिल्कुल भी नहीं उठाना। नहीं टूटा, नहीं टूटा भाई, तुम्हें लग रहा है टूट गया, ये ऐसे ही है, बहुत बार गिर चुका है। टेबल बिना अपनी दोबारा से बनवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी टेबल ना खराब हो चुकी है, ये अक्सर अब गिर जाता है। हो गया बस, चलें के चल से बाहर चलें, काम करने दे। क्या हो गया, क्या हो गया? अबे भाई आज मोम नहीं है, हम पानी बंद करना भूल गए, पूरा गेट तक बाहर से पानी आ गया। मोम क्या चीज होती है, इस चीज से पता लग रहा है आपको कि जब आप जिसके घर में माँ होती है ना, उसके घर में क्या ही फूल खिले होते हैं, क्या ही बहारें आई हुई होती हैं। सो अल्लाह ताला सबकी माँ को सलामत रखे अपने सर पर। तो जब भी हमारे घर में ऐसा होता ना, मोम नहीं होती तो उल्टे सीधे काम करते सारे, भले भाभियाँ हो या सभा हो या बहने हो मेरी, मॉम के बगैर सही काम नहीं होता किसी से भी। आज पापा की जगह मेरे लिए छोटी टप्पा डूस तूने। मेरी प्लेट में देखो सिर्फ एक चकोरी, ओ कचोरी और एक समोसा। अबे टमाटर 3 समोसे लेके बैठा है, एक समोसे इधर दे और सब कुछ तू खा रहा है। ये हम दोनों का है, फिर ठीक है। सही है, फिर हम लोग आज इफ्तारी में यही खाएंगे, खाते हैं फटाफट से इफ्तारी और मिलते हैं फिर आपको सारा फिनिश करके। इफ्तारी भी हो गई है लेकिन अभी तक हमारा रूम जो है ना वो साफ नहीं हुआ, यानी कब तक होगा अब ये साफ। इफ्तारी के बाद ये होता है कि मैं ना फटाफट से बेड पे गिर जाता हूँ, क्योंकि दिन भर कुछ खाया नहीं होता, फिर डायरेक्ट कुछ खाओ ना तो फिर वो थोड़ा बहुत ना सुस्ती से आ जाती है। आपके साथ तरबूज लेकर आए, अरे बिठाई नहीं तरबूज पर नहीं बिठा। बासिल देखो ये क्या चीज है, बासिल देख रहा है ये क्या चीज है, उठाने की कोशिश कर रहा है। देख देख देखते हैं, उठाते नहीं उठाता, उठाओ ना थोड़ा साइड पे करके। हाँ बासिल के साइज के जितना तरबूज लेकर आए हम। ओए हिला सकता है, इस पे लेट सकता है, हिला भी सकता है, छोड़ जरा दे, हिला भी सकता है, ये देखना दिखाऊं, हिला के देखो बासिल इसको, हिला उसको, हाँ वल्ला हिला सकता हूँ, हिलाओ हिलाओ, ये देखो हिला रहा है बासिल। मेरे ख्याल से 4-5 किलो का होगा शायद, है ना?
दस आठ 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 नौ किलो का और ये तरबूज 15 किलो का खा रहा है, खा रहा है। अबे भाई ऐसे नहीं खाना, काट के देंगे पापा। सबर करो डायरेक्ट नहीं खा सकते इसको आप, ये देखो लो डायरेक्ट खाना है भाई डायरेक्ट। तो बासिल को हमने भाई हटा दिया इधर से, अब डमाडस उठा के किचन में लेके चल, इधर काटेंगे, इधर रख, इधर रख रख आराम से। चूरा किधर है बे? चूरा चूरा वाला चूरा चाहिए होगा, बड़ा वाला। अबे तलवार की बात कर रहा है क्या? नहीं बे छोटा चूरा भी सही चलेगा ये। अबे ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो गया ये। नहीं भाई ये रुक रबाट उसमें करूंगा मैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। दिखा दिखा, दिखा। यूं पकड़। हाँ यूं मैंने देखा तरबूज वालों को जैसे काटते ना पहले यूं उसको घुसाते अंदर, 1 2 3 ओए टाइट से पकड़ टाइट से पकड़। ओए इसको मुक्का मारना पड़ेगा, हट। ओए निकल गया भाई। खा के देख कैसा है, बहुत मीठा, बहुत मीठा है तो यार फुल पका हुआ निकला यार ये तो, मतलब जितना बड़ा तरबूज होगा उतना मीठा होगा। कोई कोई सा होता है तो कोई कोई खराब भी होता है अंदर से, ज्यादा बड़ा हो जाए तो। तरबूज वाले को पता होता कौन सा मीठा होता कौन सा फीका। बहुत मीठा निकला भाई ये तो, बहुत मीठा निकला। चूरी चूरा है देखिए, काटना लग जाएगा, बहुत धार है इसमें, सुकून से आराम से मीठा है। काम करते ना पीसेस बना के चौकीदार को चीजें देंगे, उनको बोलेंगे भाई आपको अगर आपको चाहिए आप भी ले लो, और अगर कोई आए तो उसको भी दे दो। अंदर से फुल लाल हो रहा है, अबे क्या कर रहा है बे? अबे इसमें से भी चार बनेंगे। अबे मैं तो कहता हूँ एक ठेला लगा ले तरबूज का, तुझे लगा के दे दूंगा टेंशन नहीं ले, खड़ा हो जाऊंगा तू काट लियो। कान लगा गंद बहुत हो गया, अब ये लोग गुस्सा करेंगे, अबे साफ भी तू करेगा। और देख कर काटियो पे उंगली ना काट दियो अपनी, इतना खतरनाक है ना देख, हल्का सा उल्टा सीधा कट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस हो गए, अब इसको डालते हैं थैली में और लेके चलते हैं नीचे। शॉपर डाल डाल डाल, एक ही में डालेगा या सारी एक एक में अलग अलग डाल? मैं तो बोल रहा हूँ नहीं, दो दो करके डालते हैं। और शॉपर चाहिए? मिल गए बड़ी थैली, इसमें देंगे चारों। चल चले फटाफट से नीचे लेकर आते हैं, उठा 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 उठा, चलो 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 खुल जा सिम सिम। सारे तरबूज है ठीक है, तो आप लोग ले लेंगे, आप लोग फिर ले लेंगे, उसके बाद फिर किसी को भेजिएगा सामने वाले चौकीदार को, उधर वाले चौकीदार। अबे आज नहीं बे, आज घर में मम्मा पापा नहीं है ना, कल जाना पड़ेगा। अब तो बे अब कल बहुत रश होगा, कल शायद चांद रात भी है। अबे खैर होंगे भी, हम पता क्या करेंगे, क्या करेंगे इफ्तारी करते सर डायरेक्ट ही सलून की, इफ्तारी भी सलून में करनी पड़ेगी। अब सलून में नहीं करेंगे, घर से इफ्तारी करिए फटाफट निकलिए नमाज पढ़ने के बाद। ये कर सकते हैं, ये करेंगे ठीक है भाई। कल हम जा रहे हैं फिर हम लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं, चमकने धमकने। अबे एक फेशियल वेशियल करवाना है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ तेरी पूरी बॉडी का फेशियल करा लूंगा। अब चल ठीक है, एटीट्यूड वाइज करा लेंगे, चल उसका मसाज हो सकता है। गेट तो खुला छोड़ दी, अबे गेट तो खुला छोड़ दिया। सफाई अभी तक नहीं हुई, पता नहीं भाई कैसी सफाई हो रही है इसके लिए यार। अब ये सोचो कमरे की सफाई इतनी हो रही है तो डमांडस और एटीट्यूड वाइज की सफाई कितनी हुई कल सलून के अंदर। सोचो इस ब्लॉग को भी इधर से एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा ब्लॉग को, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त कर दो, दो बार सब्सक्राइब बोल देना, दो बार कर दो यार, चलो एक ही बार कर दो यार, चलो जाओ एक बार हो गया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अरे वाह बासिल, मम्मा काम कर रही हैं तो खाला है खिदमत कर रही हैं भाई, खालाओं से खिदमत करा रहे हो।